Amanitvam madambitvam Ahimsa chanti arjavam Acharyo pasanam shaucham Sthairyamatma vinigraha Indriyartheshu vairagyam Anahankara evacha Janma mrityu jara vyadhi Dukha doshanu darshanam Asaktiranabhishvangaha Putradaragrahadishu Nityam cha samachittattvam Ishtanishtopapattishu Mayi chananya yogena Bhakti ravya vicharini Vivikta desha sevitvam Aratir jana sansadi Adhyatma jnana nityatvam Tattva jnanartha darshanam Etaj jnanamiti proktam Ajnanam yadatunyatha Ajnanam yadatunyatha Amanitvam manino bhavah manitvam Atmana shlaghanam tadabhavah amanitvam Adambitvam so dharma prakati karanam dambitvam tadabhavah adambitvam Ahinsa ahinsanam praninam apidanam Shanti par aparada praptau avikriya Arjavam Riju bhavo avakratam Acharya upasanam Moksha sadhan upadeshtu acharyasya shushruvadi prayogena sevanam Shaucham Kaya malanam mrajjalabhyam prakshalanam Antahcha manasaha pratipaksha bhavaneya Ragadi malanam apanayanam shaucham Sthairyam Sthir bhavo moksha marge eva krita adhyavasayatvam Atma vinigraha Atmana apakarasya atma shabda vachasya karyakarna sanghatasya Vinigraha sabhavena sarvatah pravatasya san marge eva nirodha atma vinigraha तो इतने गुणों को हम और आप देख चुके इन गुणों से मैं बार-बार कह रहा हूं सिर्फ एक फायदा है व्यक्ति आत्मनिष्ठा की प्राप्ति में सहायक होते हैं ये नैतिक मूल्य जितना जितना नैतिक मूल्य व्यक्ति में होवे जितना नैतिक मूल्य वृत्ति में ये होए व्यक्ति ब्रह्मनिष्ठा के उतने ही करीब पहुंचता है तो एक साधक को भरपूर कोशिश करनी चाहिए कि इन नैतिक मूल्यों को वो जितना बढ़ा सके बस एक बात ध्यान रखें नैतिक मूल्यों के साथ विचार का संयोग होना अति अनिवार्य है वरना नैतिक मूल्य व्यक्ति को एक सिर्फ सिद्धांत लगते हैं
ये तो उसको लगता है कि इसके जीवन जीने से कुछ मिलेगा नहीं, और मिला क्या अब तक। ये स्थिति तभी व्यक्ति के जीवन में आ सकती है जब उसने नैतिक मूल्यों के साथ विचार का संयोग न किया हो। हो नहीं सकता कि नैतिक मूल्य फायदा ना दें। अभी तक जो हमने गुण देखे वो अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, शांति, आर्जवम, आचार्य उपासनम, और कल हम लोग देख रहे थे शौचम। तो शौच में जाते जाते ये बात हुई, एक तो आंतरिक शुद्धता और एक बाह्य शुद्धता। आंतरिक शुद्धता के लिए क्या कहा गया कि जो प्रतिपक्ष भावनाया, जो रागादि द्वेष हैं, ये चित्त को अंदर से गंदा कर देते हैं। इनके कारण ही व्यक्ति का जो चित्त है वो दूषित हो गया। अब ये अंदर रोग हैं, ये व्यक्ति के सिवाय किसी और को नहीं समझ में आएगा। वो व्यक्ति ही जानता है कि मेरे अंदर चित्त में क्या स्थिति है, कितने उपद्रव मचते हैं मेरे चित्त में, ये व्यक्ति को ही समझ में आ सकता है। एक अलग लीक से अलग हट के बात की गई कि पातंजल योग के अनुसार जो व्यक्ति जितना पवित्र रहेगा उतना ही अपने अंगों के प्रति घृणा का भाव और दूसरों के प्रति असंगता का भाव उसके मन में जागेगा, है ना। अपने अंगों के प्रति जुगुप्सा का भाव, क्योंकि शुद्धि रखी उसने, और दूसरों के प्रति वो क्या हो जाएगा, असंग हो जाएगा। ये परिणाम किसका मिलेगा, बोले शौच का। और आखिरी बात थी कि जिसके जीवन में शुद्धता है, विचार उसी के जीवन में उठते हैं। मतलब विचारों के लिए जीवन में शुद्धि आवश्यक है, इसको बांध के रख लेना चाहिए। जितना जीवन शुद्ध होगा उतना ही व्यक्ति के जीवन में विचार प्रबल होंगे। अब आइए आगे का गुण देखिए। इसके बाद का जो गुण है वो है स्थैर्यम। स्थैर्यम मतलब क्या, स्थैर्यम मतलब क्या, देखो भगवान भाष्यकार क्या कहते हैं। स्थिरो भावः मोक्ष मार्गे एव कृत अध्यावसायत्वम्। देखो जी इस परिभाषा को देखिएगा, स्थैर्यम स्थिर भावो मोक्ष मार्गे एव कृत्य अध्यावसायत्वम्। इसकी भूमिका यहां से समझिए, जीवन में कोई नैतिक मूल्य हो और कम हो, और स्वामी जी और संतों की तुलना में कहूं कि कई बार साधक में यह गुण देखने को नहीं मिलते, कौन से, अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, शांति, आर्जवम, आचार्य उपासनम भी नहीं मिलता। देखो कभी कभी साधकों में ऐसे भाव देखते हैं कि जिनमें ये गुण बहुत न्यून है, और ऐसा कह लें कि ये है ही नहीं। लेकिन जब उनके बाद के समय को देखा जाता है तो वो उच्च शिखर पर होते हैं। ऐसा उदाहरण है, उच्च शिखर पर है। तो कहा गया कि किसी मूल्य को संभालें न संभल पाएं कोई बड़ी बात नहीं, ये एक ऐसा मूल्य है। अगर ये मूल्य आपके पास है तो कुछ समय बाद भले समयांतराल लग जावे, लेकिन ये आपको अपना प्रभाव क्या करेगा, जरूर दिखाएगा। और इसका एक ही फल है जीवन में, ये भी बता दूं, सफलता। ये दूसरा चीज नहीं दे सकता। जिसके जीवन में स्थैर्य नाम की चीज है, थोड़ा संभल के रहने वाली चीज है, थोड़ा ढांढस है, इसको क्या बोलते हैं, अधीर नहीं है,
अभी ये जो वर्तमान का ये जगत है, ये बड़ा अधीरता का जगत है, और यहां अधीरता अध्यात्म में तो स्वीकार ही नहीं है। एकदम ध्यान रखना, अधीरता मतलब क्या, इसको और डिफाइन करो। मैं पर्यायवाची नहीं पूछ रहा हूं उसको, मैंने ये कार्य किया और मैं कार्य करके निपटूं तो मुझे रिजल्ट गेट पे मिल जाए, ये आदत है। मतलब मैंने ये कार्य किया, ये मदद की, ये दया की, ये दान दिया, वो दिया, ये, और जैसे ही मैं दान देके निकलूं तो मुझे उसका रिजल्ट, इसको बोलते हैं अधीरता। और अभी अध्यात्म जगत में भी यह हावी हो रही है, जितने ये टीवी पे सब आ रहा है अभी, ये अधीरता का ही फल है। मैं जाऊं और देवी और देवता लोग हमको देखें और हमको टच करें और हमारी समस्या क्या हो जाए, तो यही परिणाम आएगा। अध्यात्म का रंच मात्र गुण नहीं है। अच्छा, लोगों की क्या गलती नहीं होगी? देखो, आप कभी भी विचार करना तो किसी एक पक्ष का दोष नहीं होता। आपने माना नहीं होता तो ये व्यक्ति बना नहीं होता, उसके स्वयं के कहने से कुछ हो जाएगा क्या, आप बताओ? कोई चिल्लाता रहे, लेकिन जब लोगों ने माना होगा तो उसमें लोगों की भी तो एक इन्वॉल्वमेंट तो लोगों का भी है ना। इसलिए अध्यात्म में अधीरता एकदम बर्दाश्त नहीं है, एकदम बर्दाश्त नहीं। और जीवन में अभी जो व्यक्ति के दिख रहा है वो अधीर है, हर चीज तुरंत चाहिए, अभी चाहिए, परिणाम चाहिए। और यहां उल्टा कहा जा रहा है स्थैर्यम। मैंने कई बार आपको इसको दूसरे व्यावहारिक व्याख्या में इसकी प्रस्तुत की होगी कि एक व्यक्ति है जिसका एक गोल है ना, एक लक्ष्य है, और उसने उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एफर्ट किया, और कैसा एफर्ट, ईमानदारी से किया, ठीक है। एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसने क्या किया, प्रयास किया। अच्छा, प्रयास का जो नेट रिजल्ट है वो क्या आया, असफलता हुई। स्वीकार करना, ये जीवन में होता रहता है। आपने ईमानदारी से प्रयास किया, प्रयास के एवज में जो परिणाम मिलता है, हाँ जी, वो असफलता मिलती है। अब क्या ऑप्शन हो सकते हैं, और इसके बाद के ऑप्शंस को डिराइव कीजिए। एक तो पहला ही एकदम क्विक ऑप्शन ये आता है, इतनी बार कोशिश कर चुका हूं, हाँ, अब इसको क्या कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए। ये तो बहुत सब, ये उपाय तो बड़ा आसान है, लोग यही करते हैं। लेकिन अब आप ये बताइए, दूसरा ऑप्शन क्या बचा, गलत तरीके अपनाए, वो भी वो व्यक्ति नहीं करना चाहे। असफलता मिलने के बावजूद लक्ष्य में बनाए रखने वाली वृत्ति स्थैर्य है। और मनन कीजिए जरा, लक्ष्य में असफलता मिलने के बावजूद, ध्यान रखना सफलता नहीं मिली है, असफल हुआ है, और असफलता मिलने के बावजूद अपने आप को लक्ष्य में क्या रखा है, उसने नियोजित करके रखा है। किस कारण से नियोजित करके रखा है, कौन सी चीज है जो उसको बांधती है, वो ये है स्थैर्य। विश्वास तो ये है कि सफलता मिलेगी, लेकिन उस समय उसको जो जोड़ के रखने वाली चीज है
उसी वृत्ति का नाम धैर्य है, उसी वृत्ति का नाम स्थैर्यम है। स्थिरता होना, खूब अच्छे से गुन लीजिए। जीवन में असफलता सबको मिली है, सबको मिलती है, जो मिलती रहेगी, लेकिन मिलने के बाद मैंने तुरंत ही लक्ष्य को क्या कर दिया, छोड़, हटाओ। कभी व्यक्ति को क्योंकि उसने एक स्वभाव, मैं कोशिश करूं, एक स्वभाव बिल्डअप कर लिया कि ये नहीं हुआ तो तुरंत इस व्यक्ति को क्या कर दो, आप बदल दो। इतनी जल्दी व्यक्ति को ना बदलो, व्यक्ति को ना बदले, और वो बना के रखे कि नहीं यही है, यही है, यही है, ये आसान नहीं है। इसको दुनिया के लोग कई बार पागलपन भी कहते हैं। तो इतनी असफलता मिली लेकिन इसके बाद में भी ये बना हुआ है। अच्छा, इसका अब दूसरा एक पक्ष देखिए, सैद्धांतिक पक्ष देखिए, फिर व्यवहारिक। यदि व्यक्ति के पास विकल्पहीनता होए तो स्थैर्य अपने आप है। क्या कहते भला, सोचो जरा कैसे सहज बने गई। यदि विकल्पहीनता होवे तो स्थैर्य की वृत्ति आप में सहज हो जाएगी। अब आप भगवान से ये क्यों कहना चाह रहे हो कि आपको विकल्पहीन बना दे, लेकिन जिस दिन आपको विकल्पहीन बना दिया उसने, विकल्पहीन मतलब अब दूसरी जगह आपको अपनी समस्या का हल दिखाई नहीं देता। ये वृत्ति जहां भी लग जाए वहां उसको फल दे देती है। अर्जुन ने भी तो यही बोला है ना दूसरे अध्याय में, क्या पंक्ति, वो नहीं प्रपश्यामि ममापनुत्यात, हे भगवान मैं देखता नहीं हूँ, नहीं प्रपश्यामि, क्या नहीं देखते, यच्छोकम मुच्छोषणम इंद्रियाण, मेरे इंद्रियां का जो रोग है उसको कोई हर ले, यहाँ किसी में दम नहीं है। आप क्या कहते हैं, अवाप्य भूमा वसपत्नम रद्दम, आपको क्या लगता है इस राज्य की लड़ाई है, सुराणाम पिचाधिपत्यम, आप मुझे देवताओं का राज्य निष्कंटक दे दीजिए, ये राज्य तो छोड़िए, तो भी मेरी जो समस्या है ना उसका समाधान हम और आप इसी लॉलीपॉप के चक्कर में बहल गए, तो जो समस्या थी वो वहीं की वहीं है। तो इस वृत्ति पे जरा, इस विचार पे देखिए, विकल्पहीनता व्यक्ति को और स्थैर्य की ओर ले जा सकती है यदि जीवन में क्या किया जाए, विकल्प। और मेरा ऐसा कई बार मानना होता है, अच्छा साधक वही है जिसके पास कम विकल्प हो। तो आपकी स्पीड तेज होती है, इधर उधर जाने की नज़र कम होती है, अपने आप में मेंटेन रहता है आदमी। क्यों, आपके पास जितने ज़्यादा विकल्प आपने रखे उतनी जगह जो एनर्जी है उतनी जगह आपकी क्या हुई, ड्रेन हुई। ध्यान रखना, जब वहाँ आपको समस्या का हल नहीं दिखा तो वहाँ कैसे दिखेगा, और वहाँ नहीं दिखा तो वो तीसरा वाला भी यही सोचेगा, जब दो जगह इसको नहीं मिला तो तीसरा वाला को ये कहाँ से। कई बार वो एक आता है ना नवयुवक आपके साथ है जय, वो सब धर्म गुरुओं के साथ रह चुके, वो ठीक है, अब सब धर्म गुरुओं की निंदा, उनका नकारात्मक पक्ष, प्रश्न ये कि तुमको यहाँ पे भी एक दिन निंदा दिखेगी, इसकी क्या गारंटी है कि तुमको यहाँ नहीं दिखेगा, क्योंकि जो दोष है वो आपकी देखने की दृष्टि में, जो वहाँ अच्छाइयाँ थी वो देखी आपने, अभी आप में कोई देखे तो आप में भी हजार दोष क्या हो जाएंगे व्यक्ति को।
प्रश्न ये है, बाहर बार पूछा जाता है, आप देखना क्या चाहते हो वो बताओ। जब आप पैनल में रात के डिस्कशन में देखते हैं तो सिनेमा वालों के जो थिंक टैंक है उनका एक ही प्रश्न है, जो जनता देखना चाहती है हम वो दिखाएंगे। बात सही है। हम दूसरे व्यक्ति में, अच्छा आप बताना नहीं है ना, अपना अपना जरा चेक करो, हम दूसरे व्यक्ति में जनरली क्या देखना चाह रहे हैं। बेसिक इंस्टिंक्ट हमारी एकदम, मतलब पहला इंजन, पहला काई गड़बड़ है। और हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव अप्रोच की, बड़ी बड़ी बातें, कहां से शुद्धि होगी। अंदर यदि पित्त भरा होवे, उल्टी भरी होवे, और आप ऊपर से कितना डेकोरेट कर लो, कहां से सड़ांध नहीं आएगी आप बताओ। तो आएगी ही आएगी। जब एक व्यक्ति से मैं दूसरे व्यक्ति से 10 मिनट इंटरेक्ट करता हूं, ये रिश्तेदार, ये परिवार, जो भी कह लो आपके, जो आपका एक दायरा है, हम उस व्यक्ति में स्वयं, ध्यान रखना, वो मुझ में क्या देखता है वो हो जाने, उसका काम जाने, मैं अपनी आंखों से क्या देखना चाहता हूं, इसको वेदांत कहता है असूया दृष्टि। भगवान ने इसीलिए इसको ज्ञान दिया अनसूय वे, जिसकी दोष दृष्टि नहीं है। ध्यान रखना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसमें दोष नहीं है, प्लीज, दोष है, लेकिन आपकी दृष्टि क्या है। अगर हम सदैव, इसको बोलते फॉल्टी विजन, इस फॉल्टी विजन को लेकर हम लाइफ जीना चालू करेंगे तो आपको 10 मिनट में व्यक्ति से ना दूर बैठ जाएंगे। कहेगा सी आराम में जग जानी, किस बात की पॉजिटिव थिंकिंग। ये क्यों नहीं हो सकता कि हम उस व्यक्ति के पास बैठकर उससे कुछ अच्छे गुणों को क्या करें, क्योंकि मैं जीवन भर तो नहीं रहना ना, 10 मिनट, आधे घंटे, 2 घंटे, 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, हम उससे वो अच्छी चीजें ले ले, फिर वो अपना काम करे, मैं अपना काम करूं। ये क्यों नहीं संभव है? और संभव है जब आप चालू करेंगे बदलना। साधु फक्कड़ लोग ये काम बहुत करते रहते हैं। देखो, आप गलत सोच रहे हैं कि आप सही सोच रहे हैं, ये आपको पता होता है, कोई आप पर उंगली नहीं उठा सकता। मैं जनरली जब जहां जाऊं तो मैं वहां क्या देखता हूं, ध्यान रखना, मैं कभी नहीं कह रहा हूं कि वहां सब अच्छा ही है, वहां गड़बड़ भी है, लेकिन उस गड़बड़ी में भी जो अच्छाई थी वो आपने क्या कर दी, भुला दी। तो मैं तो अच्छा ही देखकर वहां से क्या हो जाऊं, चला हूं, फिर वो जाने, उसका काम जाने। यह एक दृष्टि होना, और अध्यात्म में तो सिर्फ एक सिंगल है, सिर्फ यदि वो नहीं है, अन्य विकल्प पैदा करके रखे हैं, तो विकल्पों में जीवन क्या पड़ेगा, इसका सहारा लेंगे, उसका सहारा लेंगे, इसका लेंगे, और इसको ये पता होगा कि ये इधर से आया है तो इसका नहीं था, उसको ये पता ये इधर से आया है तो ये इसका नहीं था, आपको लास्ट में तीनों उठा के फेंक देंगे और साधक कहीं का रह नहीं गया। विकल्पहीनता स्थिर भाव को और दृढ़ करती है। कैसा भी हो, उड़ी जहाज को पंछी, हाँ, फिर जहाज पर आवे, उसके पास कोई विकल्प नहीं है, पंछी के पास में कहाँ जाए, अब समुद्र में घुस जाए तो मर जाएगा, कुछ भी कह लीजिए हमको, क्योंकि मैं आपसे बहुत प्रैक्टिकल फैक्ट, एक परिवार है जिसको आप छोड़ नहीं सकते, ठीक है, मैं बहुत पर्टिकुलर हो रहा हूँ, माता पिता बेटा बहू गुरु शिष्य रिश्तेदार, अब आप इसमें चेंज नहीं कर सकते, मित्रों में चेंज कर सकते हैं, और समस्या मित्रों से बाहर से ज़्यादा नहीं है, समस्या जो है वो हमारे आंतरिक क्षेत्र से है ना, जहां हम ज्यादा समय गुजारते हैं समस्या वहां होगी।
अच्छा अब इनमें क्या चेंज कर लेंगे? आप माँ को बदल नहीं सकते, पिता को बदल नहीं सकते, लड़के को बदल नहीं सकते, बहू को बदल नहीं सकते, गुरु को बदल नहीं सकते बात। अब ऐसी परिस्थिति में मैं एक रास्ता खोजूं जो कि मुझे क्या बना के रखे, पॉजिटिव, और रास्ता निकलेगा। जरूरत है एक एफर्ट करने की। और आपसे बताऊं, ऐसा कोई गंदा व्यक्ति नहीं है जो आपको गंदगी के लिए मजबूर कर दे, ये सच्चाई नहीं है। कोई व्यक्ति नहीं चाहता, सभी मानव ही हैं भाई, सभी के अंदर वो अंतर्यामी बैठा है, कैसे कोई करेगा। और जिस समाज में हम और आप रह रहे हैं वहां तो ऐसी आशा ही नहीं की जाती। तो पहली अपने विषय पर रहे, विकल्पहीनता स्थैर्य भाव को क्या करेगी, आपके और बढ़ाएगी। कोशिश कीजिए कि मेरा सुख उसी में है तो फिर उसी में है, फिर सुख के कई पर्याय नहीं होने चाहिए। जहां सुख के कई पर्याय बन गए वहां आपको कोई भी सुख देने वाला नहीं होगा। ये हो गया एक सैद्धांतिक पक्ष। अब इसका एक व्यवहारिक पक्ष देखें। व्यवहारिक पक्ष ये है, बहुत अलग है, इसको सावधानी से सुने जहां तक ये चिंतन आ सके। एक स्वभाव व्यक्ति के पास होता है, मैं ऐसा कहूं कि ये उसको कल्टीवेट करना चाहिए। वह स्वभाव ये है, पूरा करने का स्वभाव। पूरा करने का स्वभाव मतलब काम को पार लगा देना। बहुत सावधानी से बोल रहा हूं, और है प्रश्न तो जरूर नोट कीजिए मैं आपसे बोलता हूं। पूरा लगा देने का एक एक स्वभाव होता है व्यक्ति का, कि वो काम बीच में नहीं छोड़ता है। ध्यान रख लेना, ये सब पैदा क्या करने वाला है, ये स्थैर्य। व्यक्ति को सफलता मिली या असफलता, नेट रिजल्ट वो तो सब बदलता रहता है, इस दरमियान व्यक्ति ने जो स्थैर्य बना के रखा वो आगे के लिए क्या है, इन्वेस्टमेंट है। सोचिए जरा, कई बार मैं ऐसे प्रबुद्ध वर्ग में बात, भैया आप इन्वेस्टमेंट वर्ड को डिफाइन करो, इन्वेस्टमेंट मतलब क्या। अभी करंट पोजीशन में आप इन्वेस्टमेंट को डिफाइन करो तो आप कहेंगे दिस इज डेफिसिट। ठीक है, मैंने 10 लाख रुपए प्रोजेक्ट में लगाए, दूसरा व्यक्ति कहेगा आपको क्या मिला, तो आप तुरंत क्या बताएंगे, नाउ अभी मैं क्या हूं, मैं जीरो पे हूं, यही दिखता है ना। तो इन्वेस्टमेंट मतलब क्या हुआ, आपने लगाया है और आपको अभी कुछ भी नहीं मिला है, लेकिन व्यक्ति को ये याद रहता है अभी जीरो है, बाद में इसके आगे नंबर क्या होंगे, और दिस इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, एक किसान यदि ज्वार को, धान को, बाजरा को बोता है तो 3 महीने उसको क्या मिलता है, उल्टा उसका पैसा जा रहा है, कीटनाशक लगाए, पानी लगाए, धूप दे, उसको कटाई करे, इतना एफर्ट 3 महीने, अभी उसके हाथ में कुछ नहीं है। हम और आप उस हाथ में जीरो को देख के समझते हैं कि इसकी लाइफ क्या है, क्योंकि हमें वही पक्ष दिखाई दिया। इस स्वभाव को थोड़ा बढ़ाइए। स्वभाव क्या है पता, ये बुजुर्गों में था हमारे, आपसे बताऊं, काम को पूरा करने का स्वभाव। पूरा करने का स्वभाव मतलब एक सीमा के पार ले जाए, भले लाख परेशानी आ जाए। इसको बोलते हैं ना, अगर आपने एक बार कमिटमेंट किया है तो फिर आपको उसको कमिटमेंट को मर जाए, लेकिन उस कमिटमेंट को क्या करना है मुझे, ये फिर हमारी जिम्मेदारी है कि मैं उस कमिटमेंट को कैसे, या तो मत कीजिए। लेकिन ये कमिटमेंट पूरा करने में एक चीज आपको पैदा करा देगा,
वो क्या है पता है? स्थैर्य। बड़ा लॉन्ग प्रोसेस है, इतनी जल्दी समझ में नहीं आता ये चीज। पार करने का सब। अब इसके दरमियान व्यक्ति को सदैव वो मापता है, और मापना भी चाहिए उसको। एक बिंदु के आने पर उसको लगता है कि मेरी लाइफ में रह क्या गया है। वही 9 बजे पैंट पहनना, वही शर्ट पहनना, फिर वही गए, मतलब एक एक दिन ऐसा आता है कि वो ये कहता है कि मुझे मिला क्या, वही ड्रेस, वही जॉब, हर चीज वही वही रिपीट होती जा रही। और एक दिन ऐसा आता है कि वो रिपीटिशन से व्यक्ति क्या हो गया, परेशान हो गया और आता है। और बड़ा से बड़ा व्यक्ति, मैं आपसे बताऊं, सब मिल जाने के बाद में भी ये कहता है क्या चीज, कुछ मजा नहीं आई। आप लोची अब ये क्या चीज है, क्या उसकी ये अनुभूति गलत है? वो काम नहीं कर रहा था क्या? वो डेली पैंट पहनता है, टाई पहनता है, सूट पहनता है, कार पहनता है, टोपी पहनता है, जहां जाता है सब काम करता है, ईमानदारी से करता है। और मैं इस मानवीय अनुभूति को मना नहीं कर सकता। हाँ जी, कि एक दिन ऐसा आएगा कि वो कहेगा कि मुझे अब वो चीज़ मिल नहीं रही, जबकि मैं इतनी बार क्या कर रहा हूँ, कर रहा हूँ। ये सबके जीवन में है, मैं आपको बताऊँ। उस समय को, उस पॉइंट में अपने आप को बड़ा संभाल के रखने के, मतलब वहाँ पलड़ा ये हो जाता है कि जीवन सार्थक है कि निरर्थक। बस वो ये सोचने लगता है ये जीवन सार्थक है कि निरर्थक। आप विषय को थोड़ा और ले जाओ, एकदम आपको लीक से हटा रहा हूं। कर्म का परिणाम क्या है? कर्म का अगर रिजल्ट आता है तो सफलता मिली या असफलता, ये मायने नहीं रखता। मैं आपसे बताऊं, ये मायने नहीं रखता। और सावधानी से, मिलेगी ही मिलेगी, या तो सफलता मिलेगी या तो असफलता, आप उसमें कुछ कर नहीं सकते। वो तो एकदम नहीं मिलना है कर्म से। संतोष तो, संतोष वृत्ति अपने आप में क्या कहती है, जितना मिल गया उससे मैं क्या हूं। और कर्म क्या कहता है, और तो आपस में विरोध है। कर्म का एक सबसे अच्छा फल है कि वह, और कर्म करना भी इसलिए चाहिए, आपसे बताऊं, जो मैं ड्यूटी की बात कह रहा था, कि कर्म करने से कुछ मिले या ना मिले, कर्म करने से, ठीक कर्म करने से व्यक्ति का अंतःकरण शुद्ध होता जाता है, जिसको किसी तरीके से आप धन से, दौलत से, यश से माप नहीं सकते। राजा भी राजा यदि अपना पूरा कार्य करता है तो उसका, उसके कर्म से क्या होना चाहिए, उससे कर्म से क्या होना चाहिए, प्रजा सुखी हो या ना। नेचुरली वो स्ट्रिक्ट होगा तो प्रजा क्या होगी। पर्सनल गेन ये होना चाहिए कि राजा ऐसा शासन करे कि उसका अंतःकरण क्या हो जाए, अच्छा ध्यान रखिए, शबरी ऐसी सेवा करे कि उसका अंतःकरण, इसका मतलब अध्यात्म में कौन क्या करता है, सावधानी से, कौन किस सीट पर क्या बैठा है, ये मायने नहीं रखता। लेकिन एक रिजल्ट मायने रखता है कि आपने जो भी कर्म किया उससे आपका अंतःकरण शुद्ध हुआ कि नहीं। ये सामर्थ्य क्या सबको नहीं दिए, गुरु, आध्यात्मिक, माता पिता, गुरु, सब कुछ कुछ काम कर रहे हैं, सबके फल भी अलग अलग है। लेकिन सबका एक फल तो ये हो सकता है कि आपको कर्म करने के कारण आपका अंतःकरण क्या हो गया। और सबका प्रोसीजर अलग अलग है। झाड़ू लगाने वाला आश्रम में, देखो संभव है, झाड़ू लगाने वाला झाड़ू लगाकर अपने अंतःकरण को क्या कर ले, शुद्ध कर ले। हो सकता है मैं प्रवचन करते हुए भी
हाँ, अध्यात्म में लगे हुए रहते हुए भी मैं अंतःकरण को शुद्ध नहीं कर पाया। इसलिए एक पंक्ति जब मुझे दिखी, आध्यात्मिक दृष्टि से बोल रहा हूं, इसको ध्यान रखिएगा, कर्म भेद से आध्यात्मिक दृष्टि कह रहा हूं, ध्यान, व्यवहारिक की बात नहीं करूं, कर्म भेद से फल भेद नहीं होता, पद भेद से, पद भेद, पद मतलब वेरिएशन इन पोस्ट, फल भेद, पद भेद से भी फल भेद नहीं हो सकता, फल दोनों का एक ही आना चाहिए, वो क्या है, स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिं विन्दन्ति मानवा, एक फल आना चाहिए कर्म करते हुए कि आपका अंतःकरण क्या हो जाए, चाहे जो भी कर्म करें, कर्म कोई बड़ा नहीं है, कर्म कोई छोटा नहीं है, सफलता मिली या असफलता, मान लीजिए मुझे नेट में असफलता मिल गई, लेकिन एक बात तो हुई कि उस कर्म करने के दौरान, मान लीजिए और बहुत स्थूल लूंगा, मैं एक प्रवचन ऑर्गेनाइज करूं जिसमें 10 लोग हों और मैंने 10 लोगों को ईमानदारी से क्या किया, पढ़ाया, ठीक है, अब इसका विश्लेषण कीजिए, तो आप क्या बोलेंगे, फाइनेंशियल यू आर इन लॉस, टाइम वाइज यू आर इन लॉस, मैनेजमेंट वाइज यू आर इन लॉस, क्राउड वाइज यू आर इन लॉस, लेकिन जो पढ़ाने में मेरा ज्ञान बढ़ा और मेरा अंतःकरण शुद्ध हुआ, आप उसको मेजर कर सकते हैं। अच्छा उल्टा कर लें, 10,000 की क्राउड है जी, करोड़ों रुपए आपके पास में और लोग आपको उठाए घूम रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि मेरा अंतःकरण, अब नाप लीजिए, तो जो शब्द बोला गया ध्यान, कर्म भेद से फल भेद नहीं होता, पकड़ में आ रहा है आध्यात्मिक दृष्टि क्या कह रही है, क्योंकि कोई भी कर्म करे उसका आध्यात्मिक जो फल मिलना चाहिए वो सिर्फ एक है, वो क्या है, अंतःकरण की शुद्धता। आपसे बताऊं, इसी गीता में आपको पढ़ाया होगा, शास्त्रम तु अंत्यम प्रमाणम अतद धर्म अध्यारोपण मात्र निवर्तकत्वेन आत्मनि प्रमाणम प्रतिपद्यते न तु अज्ञातार्थ ज्ञापकत्वेन। ये बात आपके, देखिए मेरे ख्याल है इसको अंडरलाइन कराया होगा, ये पेज नंबर 39, पेज नंबर 39 मिल गया, नीचे से दूसरा पहला देखिए, मिल गया सबको, नीचे से दूसरा क्या है भाष्य जरा देखिए, शास्त्र, आप बहुत सावधान, शास्त्र कभी ज्ञान नहीं करा सकता, साधना आपको कोई ज्ञान करा नहीं सकती, देखो कितनी बड़ी घोषणा है, ना शास्त्र ज्ञान करा सकता है ना तो आपको साधना ज्ञान करा सकती। बोले फिर ये कर क्यों रहे हैं, ना तो आपकी उपासना ज्ञान करा सकती, तो बोले ये सब कर क्यों रहे हैं, देखो उसका उत्तर दे, शास्त्रम तू, अंडरलाइन हो गया आपके में, अंतिम प्रमाणम, ये प्रमाण इस बात का है, अतद मिल गया, तद नहीं, अतद धर्म अध्यारोपण मात्र निवर्तकत्वेन प्रमाणत्वम आत्मनि प्रतिपद्यते, अतद धर्म को हटाने के लिए शास्त्र और साधना बताई जाती है, क्या कहा गया है, अतद धर्म को हटाने के लिए सिर्फ शास्त्र, तद धर्म को लाने के लिए नहीं, सावधानी से, अतद धर्म को हटाने के लिए, मतलब यह जो चित्त में दुर्गुण है इन दुर्गुणों को हटाने के लिए क्या है, और जब ये दुर्गुण हट जाएंगे तो जो प्रतिबिंबन है वो स्वयं अपने आप क्या हो जाएगा, आप बताओ ना प्रभु जी, आप जब कपड़ा साफ करते हो
तो साबुन से मैली तो हटाते हैं, सफेदी थोड़ी ना लाते हैं। जब आप डिटर्जेंट से करते हैं तो होता क्या है, डिटर्जेंट सिर्फ इतना करता है कि जो मल है मल को दूर करता है, यही है शास्त्र। जो शास्त्र है वो आपके मल को दूर करने में सिर्फ काम में आता है, और जैसे ही मल दूर हो गया वैसे ही जो सफेदी थी वो क्या हो गई। तो आप ये कहें कि साबुन ने सफेदी ला दी तो मूर्खता है, साबुन ने मल को दूर कर दिया, मल के दूर होने से सफेदी अपने आप क्या हो गई, आ गई। ये शास्त्र और साधना का कार्य जो उपासना हो रही। फिर आ जाइए उस पे, अतद धर्म, अतद मतलब जो आत्मा के धर्म नहीं है, तो अनात्मा के धर्म आ गए उसको बोलते हैं अतद धर्म। तद धर्म नहीं, अतद धर्म, और वो भी कैसे हैं, अध्यारोपित है। इस पर भाष पढ़ाऊं तो ये स्वाभाविक नहीं है, इसीलिए हट सकता है, क्योंकि अध्यारोपित है। तो अध्यारोपित से कहने का मतलब ही हुआ कि दिस इज इल्यूजन, जो है नहीं लेकिन आप में क्या कर रहा है, भास रहा है, इसीलिए साधना से दूर हो सकता है। और कहीं सचमुच में होता तो कभी दूर हो ही नहीं सकता, क्योंकि स्वाभाविक होता है। इसीलिए शब्द क्या है, अध्यारोपण मात्र निवर्तक। अच्छा, मैं क्या कह रहा था यहां, तो मैं आपसे ये स्थैर्यम शब्द में कह रहा था, कर्म का आखिरी जो रिजल्ट होना चाहिए वो होना चाहिए आपकी, और कर्म तभी भले सफलता मिले या असफलता, आपको कर्म क्या करना चाहिए ये जीवन में बांधे, और इससे मिलेगा क्या, स्थैर्यम। एक स्थैर्यम तो मिल ही गया, दूसरा आपको चित्त शुद्धि क्या हो गई, ये तभी हो सकता है। लेकिन फिर से देखें, कल्टीवेट करें, पैदा करें इस स्वभाव को। किस स्वभाव को, जो काम लें उस काम को मैं क्या करूं, ये बुजुर्गों में था। तो आपके स्थैर्यम की जो शक्ति है भैया, स्थैर्यम ध्यान करने से नहीं बढ़ेगा, स्थैर्यम पूजा करने से नहीं बढ़ेगा, स्थैर्यम शास्त्र करने से भी नहीं बढ़ेगा। स्थैर्यम तो एक प्रायोगिक साधना है, और वो साधना ये इतनी प्रैक्टिकल कि आप जो भी काम करें, काम का रिजल्ट ये मत देखें सफल, वो तो आपको, आप करते रहेंगे तो एक दिन चींटी भी गिरते हुए भी एक दिन पार हो ही जाती है, और वो मायने नहीं रखता। मैंने कहा क्योंकि जिनको मिल चुकी है सफलता, उनको एक दिन लगता है कि कुछ मिला तो है ही नहीं, जिसके लिए हम और आप मर रहे हैं उनके पास वो चीज़ है, तो लगता है ठीक है तो क्या हो गया, और हम उसके लिए पूरा जीवन ललायत कर रहे हैं। हुआ तो कर्म में, अच्छा एकदम लीक से अलग हटके दिखाएं, ये एक समस्या देखो आप जो स्वामी जी ने बताई थी उस समय। एक बार उधमपुर में आर्मी को संबोधित करना था, मेजर एंड जनरल्स को, सभी अच्छे लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे। तो उन्होंने, स्वामी जी ने पूछा कि मैं भाषण नहीं देना चाहता। भाषण देना मतलब क्या हुआ, आपको आधे घंटे सुनाया चला गया, ना आपको कुछ काम हुआ ना मुझे कुछ प्रसन्नता हुई, वो नहीं कर। आप ये बताइए कि कौन सी समस्या इनकी आर्मी की है जो डील हो सकती है। देखो तो उनके मेजर जनरल ने बहुत एक अच्छी चीज बताई, बोले आप एक चीज समझिए, आर्मी का जो स्ट्रक्चर है वो पिरामिड है। पिरामिड कैसा मतलब समझते हैं, 4-3-2-1, इसको बोलते हैं पिरामिड। सामर्थ्य सभी में है, लेकिन आर्मी जो चीफ बनता है वो कौन बनता है, वो एक। तो वो जो चार लोग हैं उनमें आपस में क्या आता है, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, क्या मैं इसके योग्य नहीं था। और एकदम गलत बात है कि वो व्यक्ति योग्य नहीं था, लेकिन ये तो पक्की बात है आर्मी का जो चीफ है वो कौन बनेगा, वो कोई, सभी तो नहीं बन सकते, लेकिन जो नहीं बने
उनके मन में क्या है। तो आर्मी इन चीफ की बात तो छोड़ दीजिए, नीचे रेंज में भी जो प्रमोशंस होते हैं, सबसे ज़्यादा जो असंतोष आज आर्मी में है वो किस में है पता है? प्रमोशंस को लेके, क्योंकि वहाँ की जो व्यवस्था है वो पिरामिड वाली है, 10 में 4, 4 में से फिर 3 चूज के। तो जो रिजेक्ट हुआ, रिजेक्ट ध्यान रखिए असामर्थ्यता के कारण नहीं होता, हो सकता उससे ज़्यादा सामर्थ्यवान हो। बोले इस बात को लेकर सिपाही, जनरल, कर्नल, मेजर, जितने सभी में क्या है, अपनी अपनी जगह असंतोष है। अगर आप इसको थोड़ा सा कर लीजिए तो उनके जीवन में शांति आ जाए। तब स्वामी जी ने ये बात कही थी, पद भेद से असर नहीं पड़ता, कर्म भेद से असर नहीं पड़ता, क्योंकि आपका जो लक्ष्य है वो ये है कि मेरी अंतःकरण की क्या हो जाए, शुद्धि। यदि हम सिर्फ फल भेद को देखते रहेंगे तो जीवन में सदैव असंतोष बना रहेगा। अब इसकी तो बहुत अच्छी व्याख्या प्रस्तुत की थी उन्होंने, मैं तो सिर्फ आपको सूत्र रख रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि मेरा वो विषय नहीं। मैं स्थैर्य के लिए आपको दो चीज कहना चाह रहा था, सैद्धांतिक पक्ष ये है कि जीवन में क्या होवे, निर्विकल्पता, आपके पास बहुत ज्यादा चीजें नहीं होनी चाहिए। अब व्यावहारिक पक्ष ये है, एक नेचर को पैदा करें, एक स्वभाव को थोड़ा और बढ़ाएं, किस बात का, पूरा करने का स्वभाव, काम को पार लगाने का स्वभाव। ध्यान रखिए, सफलता असफलता को एक किनारे रखिए। आज जो सफल हो गया उसको भी लोग कौन कितना पूछ रहा, आप ये बताइए। कितने अवार्ड विजेता हैं जो अब अपना मेडल बेचकर घर चला रहे हैं, क्या मिला आप ये बताओ। तो आप सिर्फ उस मेडल को मत देखिए, लेकिन वो देखिए जो उनके अंदर जज्बा था। मेडल को ही देखेंगे तो उदासी रहेगी, और हम और आप सिर्फ क्या देखना चाह रहे हैं, मनी कितना गेन हुआ, क्राउड कितनी ग्रेन हुई, फैसिलिटी कितनी ग्रेन हुई, ये सब आपको जीवन में निराशा के अलावा और कुछ नहीं लाएंगे। निराशा के अलावा ये कुछ नहीं दे सकते। अंतःकरण की शुद्धि गेन कर ली आपने तो बहुत बड़ी पूजनीय चीज कर ली। तो इसको कल्टीवेट क्या करना है, नेचर में ये बात डालनी है कि मेरा कार्य पूरा होना चाहिए, मुझे कार्य पूरा करना है, ठीक है। एक आखिरी गुण रह गया, ये क्या है, आत्म विनिग्रह। अब आत्मा को निग्रह करने की क्या आवश्यकता, आत्म विनिग्रह है ना, निग्रह मतलब नियंत्रण में, आत्मा कोई नियंत्रण की चीज है कि जो आत्म विनिग्रह किया जाए, है ना, नहीं एकदम। तो मैं आपको क्या बोलते हैं, टू बी कंटिन्यूड, दिस पार्ट आपको कल दिखाते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम